गर्मियों में मिलने वाली ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग जब इसे देखते हैं ना तो उनका मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। इसमें गलती सब्जी की नहीं है, सब्जी बनाने के तरीके की है। तो चलिए आज इस सब्जी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जिससे ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो स्वागत है आप सभी का हेल्दी बावर्ची में, जहाँ आपको मिलेगी स्वाद के साथ सेहत फ्री। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम तोरे ले लेंगे, जो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितनी ली हैं, और इसके छिलके को निकाल देंगे। फ्रेंड, तोरे जो है ना, इसको कई जगह पर तोरी भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में रिज गॉर्ड भी कहा जाता है। आपके यहाँ तोरे को कौन से नाम से जाना जाता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहले आपको सारी जो तोरी है ना, इसके छिलके को निकाल देना है। आप देख सकते हैं छिलका जो है ना, इसको मैंने पूरा ही कम्प्लीट नहीं निकाल दिया है, हल्का हल्का से इसमें रहने ही दिया है। और फिर हमें दोनों साइड से इसका जो डंठल है उसको निकाल देना है। और हो सके ना तो इस डंठल को आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तोरी जो है ना वो कड़वी भी हो सकती है। तो अगर कोई भी तोरी कड़वी आ गई तो आपकी पूरी सब्जी जो है वो बिगड़ जाएगी। तो एक बार आप इसे टेस्ट करके कंफर्म कर लीजिए कि ये सारी तोरी जो है ना वो अच्छी है। और फिर इस सारी तोरी को ना हम ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। जैसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत मोटे या बहुत पतले पीस नहीं किए हैं, तो कुछ इस तरीके के पीस में आप इसको काट लीजिए। तो अभी हमारी सारी तोरी कट चुकी है। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। और इसको ना हम चॉपर में कट करेंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर जो है ना, इसका हमें वैसा प्यूरी जैसा पेस्ट भी नहीं चाहिए और ना तो हमें बड़े बड़े पीसीस वाला चाहिए। तो जैसा हमें चाहिए ना, वो चॉपर में बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्याज और टमाटर है वो भी हो चुका है। अब इस सब्जी के लिए हमें चाहिए अदरक और लहसुन। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 कली लहसुन की ली है और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है। और इसको हमें ना खलबट्टे में इस तरीके से पीस लेना है। और इसकी भी बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, हल्का इसको ना ऐसे मोटा सा ही कूटिए। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। अभी हमें इस सब्जी के लिए एक और इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और वो है पनीर, जो मैंने यहाँ पर ना 150 ग्राम जितना लिया है। और इसको ना हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। तो अभी हमारा पनीर जो है वो भी कद्दूकस हो चुका है। तो अभी हमारे सब्जी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अभी एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर लेंगे। आप खाने का जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच जितना राई के दाने ऐड कर लीजिए, 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड कर लीजिए, और 1/2 चम्मच जितना इसमें हींग को ऐड कर लेंगे। और जो अदरक और लहसुन की पेस्ट हमने बनाई थी उसको ऐड कर लेंगे। चॉप किए हुए प्याज और टमाटर को ऐड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लीजिए। और फिर इसमें ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। और इन सभी मसालों को भी हम थोड़ी देर के लिए इसे सोते कर लेंगे। और फिर हमने जो तोरे के पीस काट के रखे हैं उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तोरी जो होती है ना, इसमें पानी बहुत ही होता है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कुक होगा ना, तो उसमें से पानी जो है वो अपने आप छूटता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ना 1/2 ग्लास यानी कि 1/2 कप जितना पानी ऐड किया है। और फिर इसको ढक्कन लगाकर आपको इसको पकने के लिए रख देना है। और फिर 4 से 5 मिनट के बाद आपको इसको ना एक बार चेक कर लेना है कि तोरी जो है वो कच्ची है या पक गई है। तो इसके लिए आप 1 चम्मच लीजिए और इससे ना तोरी के पीस को इसे कट करके देखिए। तो अभी ये कच्चा है, तो अभी हम इसको और कुक होने के लिए रख देते हैं। फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे पका लेंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों में जो सब्जियां मिलती है ना, इसमें पानी बहुत होता है, और इसीलिए ये सब्जी हमें खानी चाहिए, क्योंकि ये हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो अभी 5 से 6 मिनट और हो गए हैं इसे कुक होते हुए, और अभी ये सब्जी को हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए कि ये जो तोरे है ना वो ईजिली कट हो रही है, मीन्स कि हमारी सब्जी कुक हो गई है। तो अभी इस सब्जी को कुक करने में मुझे करीब 12 मिनट लगे हैं। और फिर हमने जो पनीर कद्दूकस करके रखा था ना, उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और पनीर को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर से इसको ना ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सारा जो ऑयल है ना वो भी ऊपर आ गया है और अच्छे से सब्जी जो है वो बन गई है। तो टोटल 15 मिनट लगे हैं मुझे इस सब्जी को कुक करने में। ये लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को तोरी पसंद नहीं है, तो उसे एक बार इस तरीके से तोरी की सब्जी बना कर खिलाए, उसको डेफिनेटली
पसंद आएगी। ये सब्जी को आप रोटी पराठे या चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो इन गर्मियों के सीजन में तोरे की सब्जी की ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। और ये आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।